अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। हाँ नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहाँ से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर तू घर पे आ जा। हाँ हम लोग साथ में चलते। ठीक है। कहाँ जा रहा है? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बना कर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छतरपुर के बड़ा मलरहा में बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव ने कहा, हमने जाति की राजनीति कभी नहीं की, हम विकास की राजनीति करते हैं। ललिता यादव को बड़ा मलरहा में जमकर जनसमर्थन मिल रहा है। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव का चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान दिनों दिन तेज होता जा रहा है। ललिता यादव रोज करीब 2 दर्जन गांवों में लोगों से मुलाकात कर उनसे आगामी 28 नवंबर को विकास के लिए भाजपा को वोट देने की अपील कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने जनसंपर्क के दौरान जगह जगह नुक्कड़ नाटक सभाओं में कहा कि वे हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती रही हैं। वे जाति और राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करती हैं। आप जिस तरह छतरपुर को सर्व सुविधा संपन्न और सुंदर शहर के रूप में देखते हैं, वह मेरी देन है। जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष बनी थी तब छतरपुर में केवल 1 CC रोड थी, लेकिन मैंने पूरे छतरपुर में CC रोड का जाल बिछवा दिया था। महाराजगंज के लिए मैं नहीं हूँ, मैं महाराजगंज आई हूँ, कई बार आई हूँ, लेकिन इस क्षेत्र की प्रत्याशी के रूप में नहीं हूँ। पहले मैं छतरपुर से विधायक थी, 2 बार मैं विधायक रही, 1 बार नगरपालिका की अध्यक्ष रही। आप सब जानते हैं आज जिस तरह से सुंदर सिटी छतरपुर देखते हैं, तो ललिता यादव की ये देन है। जब मैं नगरपालिका की अध्यक्ष बनी 1 रोड था छतरपुर में, 1 रोड। आज पूरा शहर, आप रोड की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, बाईपास की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, और एक सुंदर अस्पताल अगर बना है पूरे संभाग से अच्छा छतरपुर में, तो मैंने बहुत विकास कार्य किए हैं छतरपुर में। अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मलेरा विधानसभा का प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है,
मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने छतरपुर में विकास किए, काम किए हैं, मैं मानती हूँ मलेरा में अभी बहुत विकास बाकी है, अभी हुआ है लेकिन और विकास होना बाकी है। आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ कि महाराजगंज में और मलेरा क्षेत्र में मैं विकास के लिए विकास में कोई कसर नहीं लगाऊंगी। सभाओं में ललिता यादव ने कहा, बड़ा मलहरा में भी विकास की अभी बहुत गुंजाइश बाकी है, मैं विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने संबल योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बिजली के बिल माफी सहित अनेक फायदे इस योजना के तहत मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें जाति का कोई बंधन नहीं रखा गया है, हर जाति के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। हाँ नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहां से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर, तू घर पे आ जा। हाँ, हम लोग साथ में चलते, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना है, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बनाकर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।